हरिद्वार के ग्राम नलोवाला में प्राथमिक पाठशाला के पास चल रहे स्टोन क्रेशर को बंद कराने की मांग को लेकर गांववासी पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि स्टोन क्रेशर के चलने से बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो गया और साथ ही क्रेशर की धूल से कई बच्चों को सांस की बीमारियां हो रही हैं। स्कूल प्रबंधक समिति के अध्यक्ष का कहना है कि क्रेशर के चलने से जो शोर होता है उसमें बच्चे नहीं पढ़ पाते और पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी पढ़ाने में काफी परेशानियां हो रही हैं। आज इसमें सारी दिक्कतें हैं, बच्चे आते हैं, इतनी धूल होती है इसमें कि बच्चे बैठ नहीं पाते। अध्यापक जो बताते हैं बच्चों को, समझ में कुछ आते नहीं, सुनाई नहीं आती बिल्कुल भी। और जो ये टीचर आती है उन्हें भी दिक्कत, वो भी कह रही है लिखे जी, उन्होंने जी हम तो बिल्कुल नहीं आएंगी। बच्चे तमाम सब बच्चे बीमार पड़े इस टाइम खांसी से। हम आपको बता दें कि क्रेशर मात्र 30 से 40 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी वजह से उसमें से उड़ने वाले धूल स्कूल के अंदर जाती है और आसपास की फसलों पर भी जमा हो जाती है। वहीं यूथ कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने जिला अधिकारी को इस संबंध में कई बार ज्ञापन दिया लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई है। जो स्टोन क्रेशर लगा हुआ है ये पूरी तरीके से अवैध लगा हुआ है, इसमें इसका जो आधा हिस्सा है वो फॉरेस्ट वन विभाग में है और इनकी जो परमिशन थी ये 2/9/2015 तक थी और जो इनका जो माल है यहाँ पे ये बिल्कुल अवैध है और इनकी ना ही किसी भी रूप से इनको क्रेशिंग की परमिशन मिली हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये स्कूल के साथ बिल्कुल सटा हुआ है, मात्र 30 मीटर दूरी पर यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ के बच्चों को भी काफी दिक्कत परेशानी हो रही है और उसी के साथ में यहाँ पे जो कृषि भूमि है वो बिल्कुल बंजर में तब्दील होती जा रही है। और दूसरी बात, रात को ही इस स्टोन क्रेशर से सटी हुई रवासा नदी है जहां पे अवैध खनन दिन रात होता जा रहा है और वन विभाग तो बिल्कुल इसमें कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। और जिला प्रशासन आप देख रहे हैं, आज 6 कर्मिक धरना प्रदर्शन यहां गांववासियों ने किया है और कल से यहां पे अन्न भी त्याग दिया जा रहा है। आज ही डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है, कल से हम 2 लोग यहां पे अन्न त्याग के धरना प्रदर्शन को आप जारी रखेंगे। देवभूमि न्यूज के लिए हरिद्वार से आलोक बिश्नोई।